Punk. एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे दो मिनट बात कर लूं। हाँ जी। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या नाचो मैं? लग रहा है। हाँ वो एक्चुअली अभी क्लिनिक से ही आ रहा था मैं ना। जी जी। तो हमारा मतलब बेसिकली मैं सर्जन हूँ, तो ऑर्गन्स वगैरह ट्रांसप्लांट होते हैं ना, जैसे चेंजिंग वगैरह होते हैं, किसी को नीड होती है तो किसी के निकाल के उसमें लगा देते हैं, तो वो हमारा काम है। जी जी। आप कहाँ तक जा रहे हैं वैसे? अरे आप तो बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब आपके पास अभी है, मतलब आपसे 5-10 मिनट में बात कर सकता हूँ। जी मैं सिर्फ डॉक्टर झटका, और मतलब इस हाँ नाम थोड़ा सा यूनिक है, मैं समझ सकता हूँ, हंसी आनी चाहिए, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या, मैं वो भी बता दूँ, मेरा नाम डॉक्टर झटका इसलिए पड़ा, इसलिए पहले मैं ना जानवरों का डॉक्टर हुआ करता था। जी। फिर मैंने सोचा यार जानवरों में ना मतलब सुंदर जानवर होते नहीं हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लड़कियों का डॉक्टर बनूँ, इंसानों का डॉक्टर बनूँ, कम से कम सुंदर सुंदर लोग तो देखने को मिलेंगे, लाइक आप जैसे। जी। तो अभी क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई अमीर लोग होते हैं जिनमें बहुत पैसा होता है ना, वो बीमार पड़ जाते हैं कि किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का लीवर फेल हो जाता है, तो कितने भी पैसे दे देते हैं मतलब अपने इलाज के लिए, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, कई गरीब लोग भी होते हैं जिनको पैसों की बहुत नीड होती है, वो बेचारे अपने लीवर किडनी तक देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब अभी क्या है, आप जैसे बहुत खूबसूरत हैं, इसमें कहने की बात नहीं है, माशाल्लाह आपको ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है, बहुत प्यारे बहुत सुंदर हैं आप। जी। तो बस मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे अभी क्या ना, हमारे क्लाइंट हैं तो उनको ना मतलब एक तंदुरुस्त एक ताज़ी किडनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। तो उनको एक ऐसी किडनी चाहिए, मतलब उनकी डिमांड है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, प्रिटी होनी चाहिए, और वो हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस मतलब आप बुरा मत मानना, गुस्सा मत करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हल्ला मचा दो, क्योंकि मेट्रो है, तो मतलब अगर आपको सही लगे तो ही हम आगे बात करेंगे, प्रोसेस बढ़ाएंगे, आपको नहीं अच्छा लगा मना कर देना। तो बेसिक सी सिंपल सी बात ये है कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि मतलब हमें ना मतलब किडनी चाहिए एक। तो ये आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हैं सुंदर, बहुत प्यारे हैं, ठीक है, बहुत प्रिटी हैं, और ऊपर से आप हेल्दी भी हैं, तो बस। और इंसान ना मतलब कहते हैं कि एक किडनी पे जी लेता है, तो अगर आप को पैसों की नीड हो, ज़रूरत हो, चल नहीं भी हो, किसी इंसान का भला हो जाएगा आपकी किडनी से। मुझे अपनी किडनी नहीं देनी है किसी के, सॉरी। नहीं, किडनी हमारी होती नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ये तो ऊपर वाले का दिया एक तोहफा है, ठीक है। तो बट व्हाटएवर जो भी है, बट मेरे को अपनी किडनी, मैं अपनी किडनी क्यों दूँ? नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, गुस्सा, मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इतना सा मतलब माइनर सा इस वाली साइड में ना, इधर कोने पे, यहाँ पे इतना सा चीरा लगता है, उसके बाद हम उनकी किडनी निकाल के उसमें डाल देते हैं, और आप एक किडनी से भी जी सकते हैं। मुझे अपनी कोई किडनी नहीं देनी, सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, जाओ मत, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनते हो जाओ, देखो बुरा मत मानो मुझे, मैं नहीं चाहता आप ऑफेंड हो, गुस्सा हो, मैं जस्ट एज ए नॉर्मली बात कर रहा था, क्योंकि देखो हमारा काम है ना, किसी इंसान की जान बच जाए उससे बढ़ के क्या है। देखो मैं ऑलरेडी अपनी एक दे चुका हूँ, एक पे जी रहा हूँ, अगर एक और दे दूंगा तो मैं मर जाऊँगा, अगर आप एक दे दोगे ना तो किसी का भला हो जाएगा, किसी इंसान का। पक्का नहीं देनी है? अच्छा कोई नहीं, बैठ रहा आपको तो साथ जाना है, मेरी बात तो सुनो। कमाल है। अरे यार तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है यार, ये मुझे मत फोन किया करो तुम, अरे उसकी किडनी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँगा, चिल्ला रहा है। तो तुम एक काम करो, 4 नंबर बेड पे एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, उसकी किडनी निकाल के उसमें लगा दो, ठीक है। अरे तो मरता है तो वैसे भी वो मरने ही वाला है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 दिन बाद वो मर जाएगा, कम से कम किसी की किडनी काम तो आएगी उसकी। हाँ ठीक है, अब मुझे मत फोन करना, छोटी छोटी चीजों के लिए। हाँ जी। नहीं मैं वकील हूँ, आपको कपड़ों से पता नहीं चल रहा,
क्यों मैं क्या मतलब माथे पे लिखवा के घूमूंगा क्या मैडम? मतलब आप उसको बोल रहे हो ना कि आप उसको हार्ट पेशेंट को किडनी निकाल के लगा दो। हां नहीं इसलिए क्या है ना वो क्या है वो दो चार दिन में मरने ही वाला है। नहीं ये चीज गलत है ना कि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जिंदगी के मैडम क्या करें करना पड़ता है ना उसकी जिंदगी साथ खेलेंगे तभी तो दूसरी करता कोई डॉक्टर मैं देखता है आप ही को। यार मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रहे वो मरने वाला है परसों उसकी किडनी निकाल के इसको दे देंगे ये तो बच जाएगा ना। ये गलत चीज है आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। नहीं मैं आपको गलत फहमी हो रही है मैं बस जिंदगी बचा रहा हूँ किसी इंसान की। आपको अगर लग रहा है कितने बड़े डॉक्टर हो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ आपको अंदाजा नहीं लग रहा मेरे कोट से अंदाजा नहीं लग कितना लंबा कोट कितना बड़ा कोट पहने लगा कोट पहनने से डॉक्टर नहीं हो जाता। नहीं मेरे को तो यही पता बताया गया था जब मैं पढ़ रहा था कि जिस दिन आपको कोट लग रहा हो कैसे बात कर रहे हो किसी के मतलब मेरे को कॉलेज में इंस्टीट्यूट में यही बताया गया था कि जिस दिन आपको कोट मिलेगा उस दिन आप प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा ही है मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बात सुनो ठीक है मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ ना कि मतलब मैं इंसान को देख के बता देता हूँ उसको क्या बीमारी है और मेरे पास ऐसी टेक्निक है मैं लोगों को फूंक मार के उनका इलाज कर देता हूँ उनके सारे तो दर्द मिटा देता हूँ। मुझे ना मेरे सर में पेन होता है अब मेरे को ये सही करके दिखाओ। ये सही करके बैठते हो इसमें कौन सी बड़ी बात है दो मिनट दो आप मेरे को ले आपको क्या लग रहा है मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या? अभी देखो मैं अपना निकालता हूँ थेटोस्कोप ठीक है क्योंकि सारा हमारा जो डॉक्टरी का काम है ना वो सारा इसी से होता है। ये मेरा थेटोस्कोप इसकी वजह से सब कुछ सही हो जाता है इसको कान में लगाओ। ये आप लगाओगे मैं सॉरी आपको इतना ना थोड़ा डॉक्टर हूं नहीं नहीं मेरे को पता है मैं थोड़ा थोड़ा सा है इशू मेरा भी मैं डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते क्या कभी। हाँ तो इसको हम लगाते हैं कान में ठीक है ऐसे करके गलत लगा दिया क्या? नहीं अब साइको हो गया। ओह सॉरी गलत लगा ऐसे आप ठीक दिखाओ अपना सिर दिखाओ। अरे यार एक मिनट मेरे को चेक करना था एक मिनट हो गया हो आप कोई साइको ही हो। अरे मैडम डॉक्टर मतलब दिखाओ भी नहीं, आप डॉक्टर जोड़े कमजोर रहते हैं जोड़ों में दर्द होता है मेरे को सर का सही करवाना है सर का हो रहा है ना एक मिनट रुको आप लोग मेरे को मजाक समझ रहे हो आपको लग रहा है मैं डॉक्टर इधर आओ पास आओ मेरे सर दर्द देख रहा हूँ आपको बताया सर दर्द क्यों हो रहा है पहले आप सीधे होकर बैठो आप गलत पोजीशन में बैठते हो सर दर्द इसलिए होता है सर दर्द आपको पता है क्यों हो रहा है आपके सिर में जुएं पड़ी हुई हैं ठीक है और वो जुएं ना आपके सिर को खा रही हैं इस वजह से आपका सिर दर्ड ज़्यादा हो रहा है तो इनको एक एक डिस्प्रिन की गोली दो इन जुओं को ये भाग जाएंगी फिर सर डिस्प्रिन की गोली दो मेडिकल आता है इनके लिए इतना तो मुझे भी पता है। नहीं तो ये बेचारी बीमार नहीं पड़ती उनके सिर में दर्द होता है इसलिए वो आपके सिर में दर्द करती हैं या तो इनको सही से मतलब इनका टेक केयर करो। आपको पता है क्या आप ना आगरा में चले जाओ ठीक है वो मेंटल हॉस्पिटल में ना आप वहाँ के डॉक्टर बन सकते हो। मैं वहीं का तो डॉक्टर हूँ तभी मेंटली लग रहा मुझे। नहीं मेंटलों का मैं इलाज कर देता हूँ ठीक है तो आप पहले इसका इलाज करा लो मेरी बात मानो ठीक है सही हो जाएगा। नहीं करवाना इलाज आप अपना इलाज करो ज़्यादा मेरा तो हो रहा है मैं तो खुद डॉक्टर हूँ मैं तो इलाज कराऊंगा आपको लगता है मैं बीमार हूँ? आप बीमार हो सच में दिमाग से बीमार हूँ मैं बीमार हूँ ये बात आपकी सही है ठीक है मैं यकीन कर रहा हूँ इस बात की लेकिन एक बार आप मेरे दिल की धड़कन सुनो ये देखो सुनो देखो कितनी तेज धड़कता है सुनो तो सही बहुत तेज धड़कता है मेरा दिल एक्चुअली ये पहले नहीं धड़का करता था ये जैसे मैं अभी यहाँ के बैठा हूँ ना जैसे मैंने आपकी तरफ देखा तब ये क्या धड़कने लगा है। वैसे फ्लर्टिंग मत करो आप ठीक है? नहीं मैं फ्लर्टिंग नहीं कर रहा मैं सच बता रहा हूँ आपको वैसे मुझे साइको लग रहा हूँ। साइको नहीं हूँ मैं डॉक्टर हूँ थोड़ी रिस्पेक्ट करो। आप डॉक्टर आपको ये नहीं लगाना था आपको ये नहीं लगाना लगाया तो मैंने कैसे लगाते हैं मैंने अभी चेक नहीं करा आपकी आप मैंने कैसे हार्ट पर चेक होता है ना कि सर में पैर में मैंने कैसे बता दिया आपके सर में जो है मैं डॉक्टर ही हूँ मैडम आपका सिर दर्द इसलिए होता है क्योंकि जीएस सिर पा रहे नहीं फेंक नहीं रहा मैं हाँ। मैंने कितने बड़े बड़े इलाज करे पता है अमिताभ बच्चन जी का ऑपरेशन मैंने करा था तब तो वो ठीक हुआ है। क्या बोला तूने पता नहीं कब 1970 में आपसे करवाने आएंगे मैं गया था उनके पास स्पेशली उन्होंने मेरी फ्लाइट टिकट कराई थी बकायदा। मेट्रो में इसलिए जा रहा हूँ ना क्योंकि मुझे आज एक सपना आया था रात को ठीक है सपने में आए भगवान जी ठीक है उन्होंने मुझे बताया कि मेट्रो में जब तू जाएगा एक सुंदर लड़की मिलेगी जो तेरे से बहुत बहस करेगी वो तेरी जीवन साथी हो सकती है। मैं बहस नहीं कर रही आप बहस कर रहे हो मतलब आप मानते हो कि वो मिलने वाली लड़की आप ही थी नहीं। अभी आपने बोला मैं बहस नहीं कर रही
आप मेरे से तो बात कर रहे हो ना? मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ है।